गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास अड्डा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गर्ल्स के लिए एथनिक वेयर के ड्रेसेस के रिव्यूज। और जैसे ही नवरात्रि खत्म होता है हर किसी की दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। आई नो आप लोग की भी हो चुकी होगी क्योंकि मेरी भी दिवाली की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो इस बार मैंने जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स में जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए हैं और उन्हीं के रिव्यूज मैं आपसे शेयर करूंगी। और क्योंकि दिवाली है लाइक फेस्टिव वाइब्स आने के लिए ना बहुत अच्छा लगता है कि हर कोई एक ट्रेडिशनल वे में या एथनिक वेयर में रहे और गर्ल्स को और भी ज्यादा प्यारा लगता है। बॉयज के लिए मैंने जो भी डेनिम्स एंड टी शर्ट्स का सेट ऑर्डर कर दिया है और गर्ल्स के लिए मैंने एथनिक वेयर ऑर्डर किया है तो उनके रिव्यूज मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेसेस पसंद आती है और आप अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली में किसी के बच्चों के लिए बाय करना चाहते हैं गिफ्ट पर्पज से तो इनके बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और प्राइजेस मैं साथ ही साथ ड्रेसेस के साथ स्क्रीन पे मैंशन करती जाऊंगी, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो प्लीज इसे ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियो अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिएगा, इंस्टा आईडी मैं मेंशन कर दूंगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी ड्रेसेस आपसे मिस ना हो। सो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। तो ये है वो कपड़े, चलिए इसे रखते हैं साइड में और एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्यारे प्यारे से ड्रेसेस उनके लिए बाय किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा है, ये आप इसे लहंगा चोली बोल सकते हैं जिसमें आपको दुपट्टा मिला हुआ है और ये ब्लाउज मिली हुई है और ये आपको स्कर्ट बोल लीजिए या लहंगा मिला हुआ है। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ दुपट्टे से। इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज क्रीम कलर का दुपट्टा मिला हुआ है और इसमें जो पूरे दुपट्टे के साइड में सैटिन रिबन लगी हुई है जिसकी वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा है। लाइट में ऐसा ब्राइट पिंक का रिबन लगा हुआ है, ये है दुपट्टा। और इसके साथ मिली हुई है ये पिंक कलर की ब्यूटीफुल सी चोली, आप देख सकते हैं ये देखिए, जिसमें यहाँ पे ऐसे एक ब्रॉन्च लगा हुआ है पिंक कलर का, ये बहुत ब्राइट पिंक कलर का ब्यूटीफुल स्लीवलेस चोली है और इसमें आपको सेल्फ डिजाइनिंग की हुई है, ये जो आपको वुवन वर्क दिया हुआ है एंड बैक में एक काइंड ऑफ अ बैकलेस दिया है जिसमें आपको इस तरीके से यू नो लेस दी हुई है और आप बोल सकते हो डोरी दी हुई है ताकि आप वो अपनी फिटिंग के हिसाब से फिटिंग कर सके। तो ये है चोली और इसके साथ मिला हुआ है ये ब्लू कलर का, कॉन्ट्रास्ट में ब्लू कलर का प्यारा सा लहंगा, आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा है। और इसमें भी पूरे जो ये जो कपड़े हैं उसमें सेल्फ डिजाइनिंग की हुई है, ये जरी से यहाँ पे ऐसा हल्का सा ना स्ट्राइप्स बॉक्सेस दिए हुए हैं और नीचे आपको बॉटम में इस तरीके से गोल्डन कलर का आपको कपड़ा दिया हुआ है बॉर्डर और उसी के साथ इसमें आपको इस तरीके से प्यारे पिंक जिसमें कि आपका मिरर वर्क, एग्जैक्टली ये मिरर नहीं है, जो स्टिकर्स काइंड ऑफ आता है वैसा आपको उस शो के लिए इस तरीके से रिबन दिया हुआ है लेस और आपको साथ में ऐसा एक लटकन भी दी हुई है। तो ये है ओवरऑल सेट जो कि बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा है। तो ये है कंप्लीट सेट और ये मैंने बाय किया है आई गेस एज ये मैंने बाय किया है 5 to 6 इयर्स का। सारे के प्राइजेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये है मेरा पहला ड्रेस, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कपड़े की क्वालिटी कंफर्टेबल है क्योंकि बच्चों को मतलब कंफर्टेबल कपड़े ज्यादा अच्छे हैं वेयर करने के लिए, अगर ज्यादा टाइम के लिए वो वेयर कर रहे हैं तो कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट मटेरियल है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा उन्हें वेयर करने में। सेकेंड जो है वो है सेम पिंक कलर का, इस तरीके का कुछ गाउन आप बोल लीजिए या लॉन्ग फ्रॉक बोल लीजिए और जिसमें ब्यूटीफुल ये आपका पूरे ब्लू कलर का ऐसा लॉन्ग फ्रॉक दिया है और इसमें भी आपको डाउन पे इस तरीके से पाइपिंग दी हुई है पिंक कलर से जिससे फ्रिल्स का जो फ्लेयर है वो बहुत अच्छा आएगा एंड बीच बीच में आपको इस तरीके से बूटे वर्क दिए हुए हैं
और इसमें ऊपर से आपको एक पिंक कलर का जो आप बोल सकते हैं कुर्ती पैटर्न का दिया हुआ है। बैक आपका प्लेन है, ब्लैक बैक में जैसा जो सेम दिया है, प्लस आपको यहाँ पे भी इस तरीके से रिबन, आप बोल सकते हैं रिबन दिया हुआ है, ताकि डोरी दी हुई है ताकि आप जो थोड़ा वेस्ट साइज पे फिटिंग कर सके इसे टाई करके। फ्रंट में आपको फ्रंट से ये जो लुक है आपका कुर्ता एंड स्कर्ट पैटर्न का आता है, तो ऊपर में आपको पिंक कलर का, ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक कलर का एक ऐसा कपड़ा दिया है जिसमें ब्यूटीफुल सी आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, और नीचे ऐसे पिंक टेजल्स लगे हुए हैं, और बैक में आपको ओपन करने के लिए ये जिप पैटर्न दिया हुआ है। और अंदर में भी मैं आपको दिखा दूं, ये अंदर में सिर्फ ये कपड़ा नहीं है, आपको बहुत अच्छी लाइनिंग भी दी हुई है ताकि ये सी थ्रू ना हो। सो ओवरऑल ये भी बहुत प्यारा है, ये मैंने ऑर्डर किया है 8 to 9 ईयर्स के लिए। बहुत ब्राइट कलर्स हैं, और फेस्टिव्स में कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे अगर वेयर करते हैं तो, और एथनिक वेयर है, ड्रेस है, तो ये पूरा ही, ये सारे ड्रेसेस को देख के आपको बहुत ऐसे दिवाली वाली और फेस्टिव वाली वाइब्स आएंगी। तो इसका जो कपड़े का मटेरियल है वो भी बहुत सॉफ्ट, बहुत कंफर्टेबल है, और बस यार ये आपका पूरा फ्लोर लेंथ का है। आप देख, ब्यूटीफुल ना। ओके, सो ये है मेरा सेकेंड ड्रेस जो मैंने बाय किया था। अब आते हैं थर्ड ड्रेस के लिए। थर्ड ड्रेस भी कुछ इसी तरीके से आपका फ्लोर लेंथ का गाउन आप बोल लीजिए या फ्रॉक बोल लीजिए, ये भी इस तरीके का ही है। जो कपड़ा है बाकी का सेम ब्लू है, जिसमें से बूटे वर्क दिए हुए हैं, और ऊपर से आपको अंगरखा पैटर्न काइंड ऑफ दिया है, जो ये आपका कंप्लीट रेड दिया है जिसमें स्ट्राइप्स बने हैं, और आपको ऐसे पर्ल वाले लेसेस लगे हैं, एंड ये यहाँ से एक्चुअली ये ओपन नहीं होता है, बट ये जो पैटर्न है अंगरखा टाइप का पैटर्न है, और ये आपके साइड पे आप यहाँ पे नॉट से ये टाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको डोरी दी हुई है जिसमें ब्यूटीफुल से लटकन लगे हैं, और आपको बॉटम में भी लाइक बॉर्डर पे भी आपको ऐसा लेस दिया हुआ है सेम क्लॉथ का, प्लस आपको गोल्डन बॉर्डर दिया हुआ है। बैक से ये भी प्लेन है, और यहाँ पे भी आपको ऐसा रिबन दिया है जो फिटिंग के लिए, वेस्ट साइज पे फिटिंग के लिए, एंड ये भी इसमें भी आपको जिप पैटर्न दिया है ओपन करने के लिए, और ये भी है स्लीवलेस, बट आई गेस इसमें आपको साथ में और इसमें ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे अंदर पे ना ऐसे लाइनिंग दी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा स्टिफ है कपड़ा, जिससे आपका ये जो पूरे फ्रॉक का फ्लेयर है वो बहुत अच्छा आएगा, ऐसा फ्लेयर बहुत अच्छा गिरेगा। तो ये है वो थर्ड परचेस मेरा, जो कि अगेन बहुत ब्यूटीफुल सा है और बहुत ब्राइट कलर है। मैंने डल कलर ऑर्डर नहीं किए हैं सारे ब्राइट, क्योंकि बच्चों को ब्राइट कलर ज्यादा उनपे ना खिल के आते हैं और लुक बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि ये सारे फेस्टिव्स के लिए हैं तो इसलिए भी मैंने ब्राइट कलर्स ऑर्डर किए हैं, ताकि बहुत ऐसे दिवाली वाली फीलिंग आए। और जो मेरा लास्ट ड्रेस है वो है कुछ आप बोल सकते हैं क्रॉप टॉप और स्कर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ स्कर्ट, जो कि ब्यूटिफुल पिंक, आप इसे बादामी कलर बोल सकते हैं या कोरल कलर बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल सा ये स्कर्ट है, और जो कि प्लेन स्कर्ट है, बस आपको पूरे स्कर्ट पे इस तरीके से छोटे बूटे वर्क मिले हुए हैं आगे और पीछे, कंप्लीट आपका जो फैब्रिक है, और सामने से ही आपको बेल्ट पैटर्न है, एंड बैक साइड पे आपको इलास्टिक दी हुई है, जिससे जो फिटिंग है वेस्ट की वो बहुत अच्छी आएगी। उसके साथ इसमें भी आपको प्रॉपर लाइनिंग दिया हुआ है, लाइनिंग का कपड़ा आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट है, तो पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, और यहाँ पे आपको इस तरीके की डोरी पैटर्न दी हुई है जिसमें ऐसे आपके कलरफुल टेजल्स लगे हुए हैं। ये आपका ओपन नहीं होता है, ये जस्ट एक आपको ना पैटर्न डिजाइनिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये है स्कर्ट, और इसके साथ ही इसका है क्रॉप टॉप, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको इस तरीके का ऑफ शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न में दिया है। ये है आपका फ्रंट, और नीचे आपके ना ऐसे फ्रिल्स दिए हुए हैं, हल्का सा आपको ये जो टॉप है उसका थोड़ा सा पेपलम टाइप का आपको पैटर्न दिखेगा, और यहाँ पे आपको एक ब्यूटीफुल सा पैच वर्क दिया हुआ है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत अच्छी फिनिशिंग है। और ये है इसका बैक साइड, जिसमें आपको बटन्स दिए हुए हैं जहां से ये ओपन होता है। तो ये है
इसका क्रॉप टॉप, ओवरऑल ये भी आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्ट में रहने से ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आता है। तो आपका लाइट है स्कर्ट लाइट कलर का और बहुत ब्राइट नेवी ब्लू कलर का आपका ये जो ऊपर का क्रॉप टॉप है। तो ये है मेरा फोर्थ परचेज। मैंने जो भी कपड़े ऑर्डर किए हैं लाइक चारों मुझे बहुत पसंद आए हैं, बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। मतलब मैंने वो अगर पहनेंगे तो उनपे बहुत खिलेगा जैसा कलर है, और आई होप फिटिंग सबकी प्रॉपर आ जाए क्योंकि मैंने सबको देख के मैंने अपने गेस्ट पे ही ये ऑर्डर किया है। सो फिटिंग सबकी प्रॉपर आ जाए। सो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको इसमें से कोई भी ड्रेसेस पसंद आए हैं और आप बाय करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। तो बस अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसके पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो सम लव एंड सपोर्ट, बाय।